गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में आज आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों को पीएनडीटी की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने आशा वर्करों को पीएनडीटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। पलवल नागरिक अस्पताल पलवल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर आशा वर्करों व आंगनबाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। कोविड वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया गया है। पीएनडीटी एक्ट को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रसव से पूर्व लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। अगर कोई लिंग जांच करवाता है तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि लिंग अनुपात की स्थिति में सुधार किया जा सके। ये ट्रेनिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस पर की गई थी, आंगनवाड़ी और हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला के। इसमें हम आंगनवाड़ियों को हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहे सारे प्रोग्राम्स के बारे में, कोरोना टीकाकरण और जितने भी बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं गर्भवती महिलाओं के, उनके बारे में इनको बता रहे हैं। साथ में पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसमें आजकल आप बहुत देख रहे होंगे कि जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं, लड़कियों की जांच कराते हैं प्रसव पूर्व, तो उसके बारे में इनसे बताना, इनका सहयोग लेने के लिए किस तरीके से ये लोग हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं, इस बारे में इनको बताना है इस ट्रेनिंग में।